नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर। ये आशा करती हूँ, ये दुआ करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेल एज यू नो कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन के अंदर कोलेजन ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन पर रिंकल्स झुर्रियाँ आने लगती हैं, स्किन एजड दिखने लगती है और स्किन सैग भी करने लगती है नीचे की तरफ। तो आप लोगों की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूजा फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं तो कोई ऐसा फेशियल हमारे साथ शेयर करो जो कि स्किन को ब्राइटन भी करे, साथ ही साथ स्किन को टाइटन भी करे। सो हेयर आई एम विद अ ब्यूटिफुल फेशियल जो कि आपकी स्किन को फर्म बनाएगा, टाइट बनाएगा, आपकी स्किन से रिंकल्स और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा। वीकली इसको कीजिए, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ब्राइट, बहुत ग्लोइंग होती जाएगी। मैंने अभी अभी ये फेशियल किया है, सिर्फ मैंने लिप टिंट और काजल लगाया हुआ है, कोई मेकअप नहीं है मेरे स्किन पर, लेकिन आप स्किन का ग्लो देख सकते हैं। ये नोज़ की शाइन ये आप देख सकते हो और चीक्स पर ग्लो देख सकते हो, स्किन बहुत ब्राइट लग रही है। मैं आपको ये टेस्ट भी करके दिखा देती हूँ। There is no makeup on my face. तो आई एम श्योर आपको भी ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। स्किन बहुत ग्लो करने वाली है, लाइटें मारने वाली है। साथ ही साथ इस फेशियल का कोई खर्चा नहीं आने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें आपके घर पर मिल जाएंगी। और एक बात, ये सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है। अगर आप 18-20 एज क्रॉस कर चुके हैं तो आप इसे अपने रिजीम में वीकली शामिल कर सकते हैं। आपकी स्किन को बेदाग बनाएगा, गोरा बनाएगा और साथ ही साथ ये रिंकल्स झुर्रियों से दूर रखेगा आपके फेस पर और कोई दाग धब्बे उनको भी रिड्यूस करता जाएगा। तो जल्दी से बताती हूँ इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। वेल, इस फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है एक बीट रूट यानी कि चुकंदर। स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं चुकंदर में और साथ ही साथ ये जो डार्क शेड्स के जितने भी फल और सब्जियां होती हैं ना, इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भर भर के भरी हुई होती है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें, साथ ही साथ बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन के यूथ को बरकरार रखने में बहुत हेल्प करते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के होता है। तो एक बीट रूट लेंगे आप, उसे आप अच्छे से पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और फिर मिक्सी में डाल करके उसका पेस्ट बना लेंगे। अगर बीटरूट थोड़ी ड्राई है, आपकी पेस्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, तो उसमें 2-3 चम्मच रोज़ वाटर या पानी भी ऐड कर सकते हो आप। तो इस तरीके से ये देखिए बीटरूट का पल्प तैयार है। अब मैं इसे छान करके इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लूँगी, कुछ इस तरीके से। ये बीटरूट का जूस हमें मिल गया और ये जो बीटरूट का पल्प बचा है इसको फेंकना नहीं है, गूदे को हम यूज़ करेंगे स्किन को स्क्रब करने के लिए। तो फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग हम करेंगे ऑब्वियसली मिल्क से, बिकॉज मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है और आपकी स्किन की डीप पोर क्लेंजिंग करता है मिल्क। और 2 चम्मच मिल्क में हम 1 चम्मच ये बीट रूट जूस भी ऐड कर देंगे। इससे क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी इस दूध की और साथ ही साथ एक पिंकिश सा ग्लो आपकी स्किन पर लेकर के आएगा ये, और आपकी स्किन के रंग को निखारेगा, टैन दूर करेगा और आपकी स्किन फेशियल के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से इस दूध में आप कॉटन बॉल डुबो करके अपने फेस पर अच्छे से रब करेंगे फॉर 2-3 मिनट्स एंड देन उसके बाद हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रब बनाना भी बहुत ही सिंपल है। उसके लिए मैंने ये लिया है 1 चम्मच बीटरूट का पल्प जो हमने छाना था, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चीनी। चीनी में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, ये आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को, डेड सेल्स को रिमूव करती है, स्किन पर ग्लो लाती है और स्किन को टाइट बनाती है। थर्ड इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है जिससे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आसानी से निकल के आ जाते हैं। ब्लीचिंग एजेंट भी होता है नींबू। और फोर्थ इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है 1 चम्मच चावल का आटा या 1 चम्मच गेहूँ का आटा, जो भी आपके घर में है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके घर में अगर चोकर है, चोकर युक्त आटा खाते हैं तो चोकर जो छान होता है उसका,
वो भी यूज़ कर सकते हैं एक चम्मच की मात्रा में। तो तीन चार ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पर रब कीजिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये आपकी स्किन के सारी डेड लेयर निकाल देगा, स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा, स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी रिमूव करेगा। तो अच्छे से रब कीजिएगा और ये आपकी स्किन बहुत ही ब्यूटीफुल कर देगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए स्क्रबिंग करने के बाद आप अपने चेहरे को पानी से वॉश कर लीजिएगा, या फिर आप इस तरीके के वेट टिश्यू से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। अब बारी आती है मसाज की। मसाज हमें करनी है, उसके लिए क्रीम बनानी पड़ेगी। क्रीम भी हम बीटरूट से ही बनाएंगे। तो ये रहा बीटरूट जूस। 2 चम्मच बीटरूट जूस लेंगे और इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच दही, और साथ ही साथ शहद मिला रही हूँ यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब हम ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल मिलाएंगे, या विटामिन ई ऑयल भी आप मिला सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और ये बहुत ही बढ़िया मसाज क्रीम बनकर के तैयार है। इससे अपने फेस पर मसाज कीजिएगा, सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है, और साथ ही साथ अपने गर्दन अपने कान को बिल्कुल नहीं भूलना है फेस के साथ साथ। ये भी हमारे पूरे फेशियल स्किन का ही हिस्सा होते हैं, तो यहाँ भी आपने ज़रूर करना है इस ट्रीटमेंट को। मसाज अच्छे से करनी है और प्रेशर पॉइंट्स हमेशा बताती हूँ वो प्रेस करेंगे, आंखों के आसपास मसाज करेंगे, डार्क सर्कल्स भी ये रिमूव करता है फेशियल। इसे आप डेली भी यूज़ कर सकते हो, हफ्ता 10 दिन ये ख़राब नहीं होती है क्रीम, फ्रिज में स्टोर कर देना और डेली भी यूज़ कर सकते हो। मसाज करने के बाद आपको फेस को वॉश नहीं करना है, इसी के ऊपर हम पैक लगाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, और उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब ये बीटरूट का जूस। देन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है उसके लिए 2-3 चॉइसेस आपको दे रही हूँ। या तो आप पील ऑफ मास्क रेडीमेड जो आता है वो यूज़ कर सकते हो, या आप जेलेटिन यूज़ कर सकते हो, या आप इसमें ऐड कर सकते हो फ्लैक्स सीड जेल या फिर एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर पील ऑफ मास्क यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच की मात्रा में। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही प्यारे वाला मास्क आपका बन करके तैयार हो जाएगा। इसे आप अपने फेस पर लगाइए और तकरीबन 20 मिनट के लिए फेस पैक लगे रहने देना है, इसको अच्छे से सूखने देना है। जब तक ये फेस पैक सूखता है तब तक आपको बता देती हूँ कि एजिंग को डिले करने के लिए रेगुलरली डेली बेसिस पर आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या लगानी चाहिए। वेल, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि डार्क कलर के, स्पेशली डार्क रेड या डार्क मरून या पर्पलिश, इन कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो एजिंग उससे डिले होती है। दूसरी चीज़, आप पानी ज़्यादा पीजिए। और तीसरी चीज़, कोलेजन युक्त चीज़ें खाइए। नेचुरली कोलेजन बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है नेचुरल कोलेजन, मेथी के बीज में होता है, साथ ही साथ पोमेग्रेनेट सीड्स में नेचुरल कोलेजन होता है। तो ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, या फिर आप कोलेजन सप्लीमेंट ले सकते हैं। ओजीवा के कोलेजन सप्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। साथ ही साथ डेली बेसिस पर अपने स्किन केयर रेजिम में कोई एंटी एजिंग सीरम ज़रूर इंक्लूड कीजिए, जो कि फाइन लाइंस रिंकल्स आने से रोके, जो कि आपकी स्किन में कोलेजन की भरपाई करे, जो कि आपके एजिंग स्पॉट्स या डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करे और आपकी स्किन को हाइड्रेशन से भर दे। मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ ओजीवा का यूथ एलिक्सर एंटी एजिंग फेस सीरम। ट्रस्ट मी गाइस, इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। मेरे आईज के आसपास के रिंकल्स को इसने काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है, स्किन काफ़ी फर्म लग रही है इसे यूज़ करने के बाद। 50% रिंकल रिडक्शन करता है ये, और ये क्लीन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई सल्फेट्स, कोई पैराबेन, कोई डाई वगैरह इसमें नहीं ऐड किया गया है। मैं बता देती हूँ इसके मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। इसमें है रोज ऑयल और टियारे फ्लावर एक्सट्रैक्ट। रोज ऑयल और टियारे फ्लावर एक्सट्रैक्ट आपकी स्किन को मॉइस्चर देते हैं, हाइड्रेट करते हैं, स्किन को फॉर्म बनाते हैं, स्किन पर रिंकल्स झुर्रियां आने नहीं देते हैं। साथ ही साथ इसमें है फाइटो रेटिनॉल, सेफ्लावर, पैराक्रेस एंड मिल्क वेज। ये सभी एक्सट्रैक्ट एंटी रिंकल ब्लेंड के रूप में ऐड किए गए हैं, जो कि रिंकल्स अगर हो गए हैं तो उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। यानी कि दोनों चीज़ों पर ये वर्क कर रहा है, रिंकल ना आए उसके लिए भी काम कर रहा है, और रिंकल आ गए हैं तो उनको रिड्यूस कैसे करना है उसके लिए भी इसमें एंटी रिंकल ब्लेंड है। साथ ही साथ इसमें है सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल,
लिकोरिश ऑयल और स्वीट आमंड ऑयल जो कि आपकी स्किन को निखारने और संवारने का काम करते हैं, तो बहुत ही प्यारे इंग्रेडिएंट्स हैं और प्यारा काम ये करता है और बहुत ही क्यूट सी बॉटल में आता है ये। एंड जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, रियली इट्स अ यूथ एलिक्सर। इसके 3 से 4 ड्रॉप्स आप अपने हाथ में लेंगे इस तरीके से और अपने फेस पर मसाज कीजिए, जज्ब होने दीजिए, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स यू विल सी द रेडियंस ऑफ योर फेस हैज़ इंक्रीज्ड, योर फेस इज लुकिंग मोर फ्रेश। मैं इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम के स्किन केयर में इंक्लूड कर रही हूँ आजकल, एंड इट हैज़ गिवन मार्वलस रिजल्ट्स टू मी। इसकी स्मेल, इसके अरोमा से ही पता चल जाता है कि ये प्योर प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और जो इसेंशियल ऑयल्स की स्मेल है वो आपके सेंसेस को भी कूल एंड काम करती है, तो बहुत प्यारा अरोमा है इसका। ज़रूर ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आप 25-30 की एज क्रॉस कर चुके हैं, रिंकल्स आने लगे हैं, या फिर इवन 50s में भी हैं और रिंकल्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ओजीवा यूथ एलिक्सर एंटी एजिंग फेस सीरम को अपने रिजीम में शामिल करके देखिए एक बार। ये छोटी सी बॉटल आपकी 2 से 3 महीने चल जाएगी एंड ये आपके फेस की रेडियंस को, आपके यूथ को इतना बढ़ा करके जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। ओजीवा यूथ एलिक्सर एंटी एजिंग फेस सीरम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करके इसे आप अपने लिए ज़रूर खरीदिए और अपने यूथ को बरकरार रखिए, एजिंग को डिले कीजिए। इस फेस्टिव सीजन पर, करवा चौथ पर, दिवाली पर आपकी स्किन इसे यूज़ करके बहुत अमेजिंग दिखने वाली है। तो चलिए, पैक मेरा सूख गया है, पैक उतार करके दिखाती हूँ आपको क्या ग्लो आया है। वैसे ग्लो तो आप पहले भी देख ही चुके हैं। बहुत सॉफ्टली इस पैक को उतारना है, बहुत स्लोली उतारना है, आपकी स्किन खिंचनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे पैक को उतारेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे पैक उतर रहा है आप अंडरनीथ स्किन देख सकते हैं कितनी फ्रेश लग रही है, कितनी फर्म लग रही है। इस तरीके से पूरे के पूरे पैक को अपने फेस से आप उतार लेंगे। उसके बाद ये थोड़ा बहुत जो एजेस में बच जाएगा उसको आप पानी से भी वॉश करके निकाल सकते हो या फिर मिल्क से निकाल सकते हो। तो ये देख सकते हो आप, मेरे फेस का ग्लो, फेस की फर्मनेस वाकई में बहुत अच्छी लग रही है और रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे आते हैं। इसके हमेशा ही बहुत अच्छे आते हैं जब भी मैं इस फेशियल को करती हूँ। तो आप इस फेशियल को कीजिए और साथ ही साथ डेली बेसिस पर एक अच्छा एंटी एजिंग सीरम यूज़ कीजिए, झुर्रियाँ झाइयाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, रिंकल्स से छुटकारा मिलेगा और डार्क स्पॉट्स, एजिंग साइंस आपके डिले हो जाएंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे धीरे। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा।